नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल जानकारी कुछ हटके पर एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त की जो है सबसे बड़ी खबर आ रही है डीडी फ्री डिश यूजर के लिए। जी हाँ दोस्तों, वो भी जो है 56 ई ऑक्शन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, ये ई ऑक्शन को जो लेकर खबर आ रही है, इसमें जो है तीन चैनल्स का नाम आ चुका है जो कि हमारे लिए शायद ख़राब चैनल ही रहने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है कि डीडी फ्री डिश पर सबसे ज़्यादा चैनल जो है न्यूज़ के हैं, और जो है उसके बाद में भोजपुरी के चैनल सबसे ज़्यादा है। और तो हम बात करें 56 ई ऑक्शन में, तो इसमें भी इस बार यही चैनल आने वाले हैं। तो इसमें तीन चैनल्स के नाम सामने आए हैं, तो आपको हम बताते हैं कौन कौन से चैनल हैं जो कि घटिया क्वालिटी के रहने वाले हैं। तो सबसे पहला आपका चैनल रहेगा टाइम्स नाउ भारत, ये न्यूज़ का चैनल। ये जो है इस बार आने की संभावना ज़्यादा बन रही है, इसने कहा हम डीडी इसमें हिस्सा ज़रूर लेंगे। और उसके बाद में दूसरा चैनल आपका हो जाता है भोजपुरी का नया लॉन्च हुआ चैनल पसंद। जी हाँ दोस्तों, पसंद चैनल भी भोजपुरी का, ये भी जो है डीडी पर इस बार ई ऑक्शन में भाग लेने वाला है। उसके बाद में अगले चैनल की बात करें तो वो हो जाता है गोल्ड माइंस की तरफ से नया चैनल लॉन्च हुआ गोल्ड माइन भोजपुरी। जी हाँ दोस्तों, गोल्ड माइन भोजपुरी भी जो है इस बार भाग लेने वाला है। तो कुल मिलाकर ये तीन चैनल्स हैं जो आपका टाइम्स नाउ जो न्यूज़ का चैनल है, और पसंद भोजपुरी का चैनल है, गोल्ड माइन भोजपुरी का चैनल है। तो ये तीन चैनल जिसमें न्यूज़ का चैनल वो भी फालतू का है, न्यूज़ के चैनल बहुत हैं। और दो चैनल जो हैं भोजपुरी के, ये भी भोजपुरी भी चैनल हमारे डीडी फ्री पर बहुत हैं। तो अगर ये तीनों चैनल भाग तो ज़रूर लेंगे, अगर ये तीनों चैनल ही स्लॉट जीत जाते हैं तो ये ई ऑक्शन बिल्कुल ही बेकार जाएगी। बाकी जो लोग भोजपुरी देखना पसंद करते हैं उनके लिए तो अच्छी रहेगी, बाकी जिन लोग उम्मीद लगाए बैठे हिंदी चैनल्स वाले उनके लिए ये ई ऑक्शन बेकार हो जाएगी। अब देखना ये होगा कि ये चैनल स्लॉट जीतते हैं या नहीं। बाकी जो है जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।